नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम विवेक है। मैं हूँ अनन्या। मेरा नाम है नितिन। मेरा नाम ईशान है। हम दिल्ली से आए हैं और हमारा ब्रांड है सुखम। शार्क्स, हम सब भारतीयों को क्रिकेट तो बहुत पसंद है, पर सोचिए अगर आपका फेवरेट बैट्समैन कभी जीरो पर आउट हो जाए। फिर चलो एक दो बार तो चलेगा, अगर वो बार बार जीरो पर आउट होने लगे तो हम एज फैंस तो दुखी होंगे, पर हमसे भी ज्यादा दुखी होगा हमारा फेवरेट बैट्समैन। मैच चाहे बेडरूम में हो या क्रिकेट के पिच पर, हम कभी भी जीरो पर आउट होना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट हम तो यही चाहेंगे कि हम दोनों जगह हर बार सेंचुरी मार के निकले। हम मर्दों की सेक्सुअल वेलनेस के बारे में कोई बात नहीं करता है, और इसके तीन प्रमुख कारण है: टबू, लैक ऑफ अवेयरनेस और स्टिग्मा। एक सर्वे के अनुसार भारत में 10 में से लगभग 4 मर्दों को किसी ना किसी तरह का सेक्सुअल हेल्थ इशू है, और सेक्सुअल वेलनेस की ये मार्केट हर महीने 65% से ग्रो कर रही है। सुखम एक मेंस सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट प्लान आधारित है वाजीकरण पे, जो कि आयुर्वेद की एक ऐसी शाखा है जिनमें इन प्रॉब्लम्स को दबाया नहीं लेकिन ठीक किया जाता है। सुखम में हमने अपने प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फॉर द नीडी एंड द ग्रीडी। फॉर द नीडी कैटेगरी में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। फॉर द ग्रीडी में हम आयुर्वेदिक ल्यूब और डेट नाइट शॉट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स क्लासिकल मेडिसिन और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सुखम की शुरुआत 2022 में हुई थी, और पिछले एक साल में हमने 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सेंचुरी बनाने में मदद की है। हमारा विजन है कि हम सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री के नंबर 1 ब्रांड बने। सो शार्क्स, हमारे इस मिशन में हमें आपसे 3.33% इक्विटी के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आप भारत के हर T20 बैट्समैन को टेस्ट बैट्समैन बनाने में हमारी मदद करेंगे? वेलकम टू शार्क टैंक, विवेक, अनन्या, नितिन एंड ईशान। थैंक यू। आपकी ऐसी क्या पर्सनल सिचुएशन थी कि आप चारों ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोची? मैं प्रोफेशनली एक परफॉर्मेंस मार्केटर रहा हूं पिछले 10 साल से। मैं यही कर रहा हूं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन? पन इंटेंडेड। वेल, दैट्स अ लॉट ऑफ दैट्स गोना बी अ लॉट हियर बाय द वे। सो मैं बहुत टाइम से परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा हूं, और मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े लेगेसी ब्रांड्स के साथ भी ये काम किया है। मेरी खुद की अपनी एक एजेंसी भी होती थी, और मैं एक अफिलियट मार्केटर भी था। सो मैं US में न्यूट्रास्यूटिकल्स अफिलियट पे बेचता था, और वहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज वाज आइदर वेट लॉस या सेक्सुअल वेलनेस। और मैं ये देखता था कि हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल की पोजीशनिंग देके बहुत सारे मार्केट्स में बेचा जा रहा था एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस। तो हमने शुरू करा एक्सेस सप्लीमेंट। नाउ एक्सेस सप्लीमेंट मेरा, नितिन का और ईशान का एक ब्रांड था जो इससे पहले हम लोग चलाते थे। Excess of anything is bad वाला excess, पर X और S। ऐसे लगता है कि छोटे हो जाओगे। So उसमें 5 different categories थे, उनमें से एक category था sexual wellness। अब 2 साल हमने बिजनेस चलाया, 2 साल में हम लोग मंथली 40 से 45 लाख के रन रेट पे पहुंच गए। ये कैश प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्योर प्ले D2C था, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी। एक चीज जो हमने रियलाइज करी वो ये थी कि सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में लोग प्रोडक्ट्स तो बाय करना चाह रहे थे, और डिमांड भी सबसे ज्यादा थी इन 5 कैटेगरीज में, पर वो आते थे इम्यूनिटी बूस्टर बोल के और फिर बाद में सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते थे। तो देखो, मार्केट में ग्रोथ तो है ये तो समझ आ रही थी, बट कोई बात नहीं कर रहा ये भी समझ आ रहा था। जब हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, हमने अपना मार्केट रिसर्च शुरू करा, एंड दैट्स व्हेन अनन्या जॉइंड अस। So I used to run my own design agency by the name of Brand8. Brand8, nice wordplay. So badi companies ke sath kaam karne ka mauka mila mujhe. And Vivek and I have been dating for the last 7 saalon se date kar rahe hain. So at that point of time, mujhe dikha ki kitna passion tha inme. So that is when I decided to join them and help them with their branding and communication. Okay. So humne socha ki ek non-linear brand banane ka yahan par mauka hai. ये एक इन्वेस्टेबल स्टार्टअप लग रहा है, राइट? इससे पहले भी मैं एक VC फंडेड छोटा सा बिजनेस कर चुका था जो बहुत ही बड़ा फेलियर था। 2022 में हमने सुखम की शुरुआत करी। सुखम शुरू करने से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी। पहले हम लोग गए सारे अलग अलग ऑप्शंस पे। मैं खुद 50 डॉक्टर्स से मिल चुका हूँ, और उन लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसा क्या देते हो जिससे हम लोगों की ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मोस्टली आंसर्स यही आते थे कि आप एक ये पर्टिकुलर पिल खा लो, या आप ये एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो कर लो,
तो हमें लगा अगर इतना बड़ा सिल्वर बुलेट है और एक ही सोल्यूशन सबके लिए है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्यों। फिर मेरे को वाजीकरण के बारे में पता लगा। ये एक ऐसी पद्धति है आयुर्वेद की जो डेडिकेटेड मेन सेक्सुअल वेलनेस के लिए बनी है। इसमें सप्त धातु कॉन्सेप्ट होता है। आयुर्वेद इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अलग दृष्टि से देखता है, पहले वो समझते हैं। सप्त धातु कॉन्सेप्ट में सात अलग अलग बॉडीली टिश्यूज बोलते हैं जो रस धातु से शुरू होते हैं और शुक्र धातु पे खत्म होते हैं। ये सात अलग अलग बॉडी टिश्यूज को अगर आप नरिश कर दो तो शुक्र धातु जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो ऑटोमेटिकली नरिश हो जाता है। सो उस सब धातु को थोड़ा टेक पे लाकर उसे असेसमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके आगे फिर से आयुर्वेद से तीन पिलर्स लेके निदान, औषधि और परामर्श, विच मींस कंसल्टेशन, मेडिकेशन एंड काउंसलिंग, इन पे प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज के साथ। हिंदी तो बॉडी सॉलिड है। थैंक यू यार, अब इतने ग्रंथ पढ़ लिया ना सर, आजकल इससे भी बोलता हूँ तुम्हें प्रेम करता हूँ, ठीक है। सो इन सब चीजों को हमने कंबाइन करके एक प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स का मॉडल बनाया। अब होता क्या है, अगर मैं कहीं भी मार्केट में जाके इन प्रॉब्लम्स के बारे में, अच्छा हम मर्दों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फोन लेना है तो टेकी दोस्त से फोन करके पूछेंगे जरूर कि भाई तू कौन सा वाला बताएगा मेरे को फोन लेने के लिए, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधा मर्दानगी से जुड़ती है। तो अभी हमने सुखम में कैंपेन भी किया, दिल्ली के 28 मार्केटों में गए और नुक्कड़ नाटक किया। मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमने बोला आप इंटरनल मीटिंग्स में भी आप ही बोलते हो सारा, अब ये दिनों देखते हैं। नहीं, आपने शंकर महादेवन का सॉन्ग सुना है ब्रेथलेस? आप ट्राई कीजिए, आप क्रैक कर दोगे। सीरियसली मैन, अमेजिंग। थोड़ा सुखम, सांस सांस। नो बट लव द एनर्जी। थैंक यू। प्रोडक्ट टेस्ट तो कर नहीं सकते तो दिखाई दे। तो क्या आप सिर्फ मेन के लिए बेचते हैं? अभी तो हम लोग बस मेन सेक्सुअल वेलनेस पे फोकस कर रहे हैं। आपकी इमेजरी सारी कामासूत्रा इंस्पायर्ड है? जी। बढ़िया पैकेजिंग वगैरह है, धंधा वंदा सही कर रहे हो? धंधा ठीक चल रहा है सर। अभी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, थोड़ी देर इन लोगों से कर लेते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 47.5 लाख का नेट रेवेन्यू किया था। अगस्त में नेट रेवेन्यू कितना था? ये अगस्त में हम लोगों ने किया है सर 21.67, और अभी तक एक ही SKU है। नहीं, यहां तो बहुत SKU दिख रहे हैं। अगस्त में एक ही SKU बेचा? नहीं, मैं बताता हूँ। सो अगस्त में एक ट्रीटमेंट प्लान बेचा। अब उस एक SKU के बाद दो और SKU उसका अपसेल है, राइट? बट वो तीनों परफॉर्मेंस बूस्टिंग प्लान है। अच्छा, समझ गए। तो आप सिर्फ अभी परफॉर्मेंस बूस्टिंग बेच प्लान बेच रहे थे और बाकी प्लान है लेकिन अभी तक किया नहीं? जी। आपके पास क्या एविडेंस है मुझे प्रूव करने के लिए दैट दिस वर्क्स? ये सारे फॉर्मुलेशंस इंडियन मटेरियल अमेरिका पे बेस्ड है। उसके बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा फाइन ट्यून करा है। हमारे पास खुद हमारा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है, उन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को आयुष मिनिस्ट्री से पहले तो अप्रूव कराया। उसके बाद इसकी मल्टीपल लैब टेस्ट हुई, NABL एक्रेडिटेड लैब से क्लिनिकल टेस्ट हुई, उस पार्टिकल एनालाइजर टेस्ट हुआ, हैवी मेटल हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ। उसके बाद वो ज्यादा सेफ्टी के लिए होता है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं धीरे-धीरे एफिकेसी का पूछ। सो अभी हम लोगों ने एक 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 रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूं आपसे। जी, आप टू द पॉइंट आंसर कीजिए ना, थोड़ा सा ये मान के चलो कि हमें भी कुछ पता है। जी जी, डायरेक्टली आप आंसर। मैं एफिकेसी के बारे में आपसे एविडेंस विद नंबर्स, timelines, statistics, आप वो बताइए। So, हम लोगों ने performance boosting plan को पूरा end-to-end monitor करना शुरू करा है। अभी तक हम लोग around 1300 लोगों को ये पूरा plan दे चुके हैं। इस plan में हम लोगों का जो internal learning है वो ये है कि 83% success rate है हमारा। कैसे calculate किया 83%? हम लोग हर customer को एक निदान जो कि consultation call जिसमें हम उसकी body type जानते हैं वो लेते हैं, और उसके बाद एक follow-on call लेते हैं feedback का, और एक काउंसलिंग कॉल देते हैं साइकोलॉजिस्ट से जिसमें वो उनसे बात करते हैं उनके साइकोलॉजिकल इश्यू। आपके कस्टमर तो आपके गिनी पिग नहीं होंगे ना, अपने कस्टमर को देने से पहले कहीं टेस्ट किया होगा, क्लिनिकल ट्रायल किया होगा? अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं करा है। अब हम लोग CTRI में इसे रजिस्टर करा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसकी एफिकेसी क्लेम। तो क्या ये सही है कि एक्सेप्ट फॉर 80% कस्टमर्स ने जो पॉजिटिव फीडबैक दिया है उसके अलावा अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है? हाँ, मतलब अभी तो हम लोग अपने डेटा पे ही चल रहे हैं। और ये 65% आपने बोला मंथ ऑन मंथ ग्रो करता है, ये कहाँ का नंबर है? इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री 65% मंथ। कोविड के बाद एक आर्टिकल आया था जिसमें इस पर्टिकुलर मार्केट को 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्लेम कर रहे हैं। किस बेस पे? ये टोटल मार्केट जो है अगर मैं वैसे बताऊं तो ये अभी $1.3 billion का क्लेम करा था 2020। 11,000 करोड़ का मार्केट 65% मंथ ऑन मंथ ग्रो ही नहीं कर सकता बॉस। पता है कितना हो जाएगा एक साल के बाद? एक साल में कंपाउंड किया 12 टाइम्स 65%। बिल्कुल, साल में तो इंडिया की GDP से ज्यादा हो जाएगी।
हम लोगों ने जो डेटा पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना, आप धंधा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है सर, मैं तो आपने यहाँ पे लगा दिया वो नंबर बिना सोचे कि सब शार्क सोचने लगेंगे वाओ नहीं व्हाट अ नंबर। नहीं, कोई भी ऐसा वैनिटी पॉइंट लेके हम नहीं आए, कोई भी नंबर जो हम बोलते हैं। पहले तो ये हाईली अंडर रिपोर्टेड कैटेगरी है। आप अंडर रिपोर्टेड 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ को कैसे बोलते हैं? सेक्सुअल वेलनेस मार्केट, मेन सेक्सुअल वेलनेस मार्केट का वो आर्टिकल नहीं था। नहीं नहीं, आपने गलत नंबर बोला, आप वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैम मैंने एक जगह से कोट किया, मे बी वो नंबर गलत हो सकता है। कितने सालों में कितनी कंपनी करी है तुमने? ये मेरा थर्ड स्टिंट एट एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप पैसे देखो। काफी सारी चीजें बोल दी तुम, मैंने ये भी कहा था सर, काफी सारी चीजें थी ना जी। आपका एवरेज टाइम एट ए कंपनी कितना है अभी? सर शुरू में तो मतलब साल भर भी नहीं होगा, मैं तो बहुत फिगर आउट कर रहा था चीजें। परसिस्टेंस कितनी है आपकी? परसिस्टेंस सर अगर मैं बोलूं तो शायद एक्सेस और सुखम ही है जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम तक रहा हूं। कितना टाइम? 2 साल एक्सेस चला था, फिर 1.5 साल अब सुखम को गया। टू अर्ली, प्रूफ पॉइंट नहीं है, कुछ चलता है नहीं चलता है, टू मच टॉक आल्सो, आई एम आउट। भाई आपने एक बात कही, 1200 कस्टमर है आज तक, आप 21 लाख रुपए कैसे कर रहे हो महीने का? कितना ले रहे हो एक कस्टमर से? नहीं नहीं, 1200 कस्टमर्स फ्रेश है, 40% हमारा। आपको थोड़ी इरिटेशन हो रही है क्या? नहीं, नहीं समझ रहे? नहीं, थोड़ा लग रहा है ऐसे बॉडी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। अच्छा बताइए अमान सर। सो हम लोग का 1200 टू 1300 न्यू कस्टमर्स है और फिर 600 650 हम लोग पुराने कस्टमर्स को भी अपसेल और रिटेंशन है हमारा। आप एक बॉटल लेंगे तब भी आपको ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ेगा, अगर आप पूरा ट्रीटमेंट प्लान एक बार में लेते हैं तो अच्छी बात है। कितना है एक ट्रीटमेंट प्लान? 2499 चार्ज कर रहे हैं अभी। तो 2000 कस्टमर, 21 लाख रुपया महीना एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हां जी, तो आप निकाल कैसे रहे? एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 से 1034 रुपए के बीच में पड़ता है ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एवरेज 1034 मान लीजिए आप। इतना कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए अगर उसे 7 के सर्विसेज मिले। आप इसको ऐसे समझिए, 999 का उसने एक बॉटल लिया, उसमें उसको काउंसलिंग भी मिल रहा है, कंसल्टेशन भी मिल रहा है, उसके पास डाइट चार्ट्स, योगा चार्ट्स, अलग अलग हमने पूरा प्रोडक्टाइज कर रखा है इसको, सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है, राइट? तो हम कस्टमर्स के साथ बने रहते हैं। तो काउंसलिंग कौन करता है? काउंसलर्स है सर। तो उनको पैसे देते हो? जी सर। मतलब 21 लाख की सेल में कितने बचे घर में? सर अभी तो हम लोग बर्न कर रहे हैं फिलहाल। किसका पैसा बर्न कर रहे हो? हमने पैसा रेज किया है ना। कितना रेज किया, क्या वैल्यूएशन पे? सो हमने 1.25 रेज करा था, 15% के वैल्यूएशन पे, डाइल्यूशन पे 8.33 करोड़, एंड उसके बाद एक फॉलो ऑन एंजल राउंड करा था 5% का। कितना रेज किया? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, और अभी कितना बर्न कर रहे हो पर मंथ? 5 लाख, 5.5 लाख के लगभग। और आपको 20 करोड़ की वैल्यूएशन मिली कैसे इतने छोटे बिजनेस? हमारे एंजल्स का काफी कन्विक्शन रहा है हम पे, और मेरे हिसाब से हम लोगों ने डिफरेंशिएटर बहुत ठीक बना लिया था उस समय तक कि हम लोगों को ये चीजें नहीं करनी है। डेलिब्रेटली हमें पता था, बिकॉज हम लोग वो करके आ चुके थे, राइट? हम लोगों को नहीं करना था डिले स्प्रेज, टॉपिकल वाइप्स, नहीं क्लेम करना था कि वी विल हेल्प यू लास्ट लॉन्गर। हम ये बोल रहे थे आप ठीक है, आपको बेहतर कर देंगे। हमारी कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू नहीं होती कि भाई तू ठीक ही नहीं। आयुर्वेदिक लॉन्ग लास्टिंग ऑयल एंड वी विल मेक यू लास्ट लॉन्गर में क्या डिफरेंस है? अब ये तो परसेप्शन है ना, आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और इट विल मेक यू लास्ट लॉन्गर, पर अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप यू विल लास्ट 5x लॉन्गर जो दूसरे ब्रांड्स के फनल है, राइट? थोड़ा सा लगता नहीं है टमाटो टमाटो यू नो वो टाइप का फर्क है? इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? इस पर्टिकुलर कैटेगरी में पिछले 1.5 साल में रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गई है एडवर्टाइजिंग, राइट? इनफैक्ट आप कोई भी बड़ा ब्रांड देख लो आयुर्वेदिक, उसके इन कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। तो ये बिजनेस बड़ा कैसे हो सकता है इवन इफ मार्केट इज लार्ज? सो मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस है क्लेम्स के, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर को देख लो, वो इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, इंक्रीज योर विगर, इंक्रीज योर स्टेमिना पे काम कर रहा है, राइट? हम ये कम्युनिकेशन करते ही नहीं, हम कम्युनिकेशन ही वहीं से शुरू करते हैं कि वाजीकरण पे आधारित एक आयुर्वेदिक ब्रांड जो सब धातु से आपको ठीक करेगा या बेहतर करेगा। आई एम एन एविडेंस बेस्ड पर्सन। जब मैंने आपको एविडेंस मांगा और आपने कहा 1300 कस्टमर्स, 83% सक्सेस बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद देम, मैं कन्विंस नहीं हूँ। और फार्मा में तो आपको पता है बहुत सारे मेडिकेशंस है विद अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एविडेंस। तो मैं आयुर्वेदा सब में बिलीव करती हूँ, बट यू कुड नॉट कन्विंस मी कि आपके पास वो डेटा है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लगता है अभी ये अनप्रूवन इंडस्ट्री है जिसमें पता नहीं कोई, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं अभी, देयर आर मीट कैटेगरी में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं लग रहा लोगों को वेदर इट विल सर्वाइव और नॉट। सेम इस कैटेगरी का मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक कि ये
नॉट एज अ कंपनी बट आपकी इंडस्ट्री और आपकी कैटेगरी ही एग्जिस्ट करेगी थोड़े टाइम बाद या क्या होगा और कैसे ग्रोथ होगी मुझे उसका समझ नहीं आ रहा और मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसमें पैसे बना पाऊंगा और द सेफ्टी आई एम एक तो ये जो प्रॉब्लम एरिया है ना आपने सही पकड़ा है चलो थोड़ी हंसी मजाक होती है लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू है बिल्कुल हाँ जी राइट जिस पे बीतती है ना हाँ जी वही जानता है बिल्कुल राइट बिल्कुल और क्योंकि लोग वल्नरेबल रहते हैं हाँ जी तो दे विल बाय लेकिन इसमें क्या होता है ना ये एरियाज में एफिकेसी एक ट्रस्टेड ब्रांड भरोसा बनाना बहुत जरूरी होता है लेकिन आपके पास अनप्रूवन प्रोडक्ट्स और आप उनको बेच रहे हो तो आई थिंक वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है दूसरी बात आयुर्वेदा जो है ना मैं बहुत मानता हूँ कोई कोई प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदा के आप ऑफ द शेल्फ बाय खरीद के जैसे अश्वगंधा है उसकी एफिकेसी एस्टैब्लिश हुई लेकिन वो बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी गंभीर परिस्थिति में आई डोंट थिंक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स चलते हैं ये वल्नरेबिलिटी का थोड़ा फायदा उठाने की बात हो गई आई थिंक और क्योंकि ये भरोसे का बिजनेस है और जिस तरह से आपसे बातचीत हुई मेरा कहीं भरोसा नहीं बन पा रहा है आपके ऊपर सो अनफॉर्चुनेटली आप जो चीज़ आप बार बार बोल रहे हैं प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विस मुझे वो अभी होते हुए नहीं दिख रही है काफ़ी इनएफिशिएंट काउंसलिंग बेस्ड सर्विस बिजनेस ज़्यादा लग रहा है आई थिंक प्रोडक्ट एक एड ऑन है तो मुझे ये स्केलेबल प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस होते हुए दिख नहीं रहा है फॉर दैट रीजन आई एम आउट एज वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू गाइस थैंक यू गाइस जीवन सुखम